एसपी के निर्देश पर जाम से निजात दिलाने को लेकर शहर के जज कोठी मोड़ सहित अन्य चौराहों पर ट्रैफिक को किया गया चुस्त दुरुस्त। लोगों को अब जाम से मिलने लगेगी निजात। आरा सिविल कोर्ट में सेक्स वर्कर को उनके अधिकार के प्रति जागरूकता करने एवं संवेदीकरण पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। बैठक के दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में सड़क निर्माण आधा अधूरा होने से सड़क बना तालाब। कई बाइक सवार गिरकर हुए घायल। लोगों ने कहा ये कैसा सड़क निर्माण है। पीरो थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से बघौड़ नारायणपुर में किसान की हुई मौत। मुआवजे की गई मांग। आसमानी कहर से भोजपुर में दहशत। बादल छाते ही घरों में दुबक जा रहे लोग। आरा के छुटकी सिंघी के समीप तेज हवा व बारिश के कारण आरा सरैया मुख्य पथ पर गिरा पीपल का पेड़। आवागमन बाधित होने से गाड़ियों की लगी कतार। सहार प्रखंड के इमादपुर थाना क्षेत्र में सर्प दंश से बिहटा में एक महिला की स्थिति नाजुक। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। भोजपुर उप विकास आयुक्त हरि नारायण पासवान ने सहार में कचरा प्रबंधन शेड का किया शिलान्यास। तमाम लोग रहे मौजूद। लोगों में दिखी खुशी। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धनगाई थाना क्षेत्र के कुसार टोला मोड़ के समीप ट्रक ने साइकिल सवार दो दोस्तों को मारी ठोकर। जख्मियों का सदर अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। जगदीशपुर प्रखंड के सियरुआ गांव में श्री विष्णु महायज्ञ पूर्णाहुति के साथ हुआ संपन्न। भंडारे में बिहार सहित अलग अलग राज्य से श्रद्धालु हुए शामिल। कई दिनों से महायज्ञ में हजारों की संख्या में भक्त हो रहे थे शामिल। कर रहे थे मंडप की परिक्रमा। कोलगढ़ प्रखंड अंतर्गत चांदी थाने से हथकड़ी के साथ फरार चोर को बेहटा थाना क्षेत्र के पाली गांव में ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस पहुंचकर शव को लिया कब्जे में। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।